गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, जहां 5 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 5 दिन गोरखपुर में ही रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 27 जनवरी को होगा सम्मेलन का समापन और सम्मेलन को लेकर सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक मोहन भागवत इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर गोरखपुर में ही रहेंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण गोरखपुर से ही करेंगे। झंडारोहण कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालय में किया जाएगा और 5 दिवसीय ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा। तो मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे में है, 5 दिवसीय सम्मेलन है ये। तो माना यह जा रहा है कि 5 दिवसीय सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनता को कई तरीके की बातें समझाएंगे, जहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीएए, उसको लेकर भी जनता को संबोधित करते हुए मोहन भागवत जो है वो नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां कई मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपना संबोधन रखेंगे। 5 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। 27 जनवरी को इस सम्मेलन का समापन हो जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।